नदी के बेग को समझते हैं। नदी का बेग नदी तल तथा पार्श्वों के अपरदन का एक बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि तीव्र बेग वाली नदी ही अधिक अपरदन करती है। अगर नदी में जल की मात्रा अधिक होती है तो तीव्र ढाल से ढाल के अनुसार वेग भी अधिक होगा और नदी तल का अपरदन भी अधिक होगा। उदाहरण के लिए उत्तर भारत की नदियों की अपेक्षा दक्षिण भारत की नदियों में वेग अधिक होता है, क्योंकि वे तीव्र ढाल से उतरती हैं। वर्षा ऋतु में दक्षिण भारत की नदियां तीव्र ढाल से उतरती है, उसके अनुसार उनका वेग काफ़ी अधिक हो जाता है। अतः जल के आयतन के अनुसार नदी अपनी घाटियों को काटती रहती है, जो नदी का संकीर्ण हो जाना और उसके वेग को तीव्र कर देना, उसकी चौड़ाई और गहराई को अधिक कर देना अपरदन की पहचान है। अपरदन में गहराई भी अधिक हो जाता है। 1857 में JBC ईट्स महोदय ने कहा कि मिसिसिपी नदी के डेल्टा पर उसकी प्रवाह धारा काफ़ी संकुचित हो गई, जिसके धारा का वेग तीव्र हो गया। इसके साथ ही डेल्टा का निक्षेपण भी समाप्त हो गया। इसी नदी के तीव्र जलधारा के परिणाम स्वरूप समुद्री जहाज न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह तक आने लगे, जबकि इससे पहले नदी नहीं पहुंच पा रहे थे। इससे व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई और नदी का सुचारू रूट भी बढ़ गया। पुनः मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।